हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। कल की अगर हम बात करें, आप देखोगे सेंसेक्स, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी, तीनों ग्रीन में, पॉजिटिव में क्लोज हुए एंड 1% के आसपास बंद हुए थे तीनों। वही मिड कैप की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली कि 0.5% के आसपास इसमें गिरावट थी। और जो निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग हुई है वो ही है 15,100 के डॉट आसपास, और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आप देखोगे 15,227 के आसपास। दैट्स मीन क्लियरली हमें यहाँ पे इंडिकेट दिख रहा है कि आज की जो ओपनिंग होगी गैप अप ओपनिंग होगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आज के दिन मार्केट हमें ऊपर के लेवल दिखाएंगे। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 15,100 का, वो काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं हो रहा था और इस वक्त हमको ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स मीन वी कैन से कि आज एक अच्छा मार्केट, हमें एक अच्छा पुल बैक दिखेगा मार्केट में, तो ये इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा, एक बार निफ्टी अगर 15,300 के ऊपर काफ़ी टाइम से क्लोजिंग देने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है, जैसे ही क्लोजिंग दे देगा आपको एक फ्रेश, जो ऑलरेडी यहाँ से फ्रेश तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है 100 से ऊपर, और भी तुम्हें ज़्यादा हमें तेजी के यहाँ पे संकेत दिखाई देंगे एक बार 300 के ऊपर, क्योंकि 100 को कई बार टच किया, 300 तक पहुँचा ही नहीं है। दैट्स मीन जो पहला हर्डल था आज वो पार हो चुका है, पहला रेजिस्टेंस। अब चलेंगे हम दूसरे की तरफ, जो निकल के आएगा 15,300 का, तो इस लेवल के लिए आज इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो किस कैसे कर रहे हैं कारोबार, कुछ फ्लैट हैं, कुछ हल्के से हरे निशान में है। वहीं बात करें हम कमोडिटी मार्केट की, आप देखोगे क्रूड ऑयल अगेन 2% के आसपास गिरा हुआ है, नेचुरल गैस भी 0.5% गिरा हुआ है, एंड गोल्ड की बात करें, गोल्ड काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से गिर रहा है और आज हल्का सा करीबन 1.5% के आसपास इसमें जंप है ज़रूर, लेकिन बहुत वीक हो चुका है ऊपर के लेवल से। सिल्वर की बात करें, आप देखोगे 2.62% जंप है, तो दैट्स मीन क्रूड ऑयल तो आज तो शांत है, लेकिन ये बढ़ भी रहा है। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है वो हमें सारे इंडेक्स में दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज के टाइम में थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है, बोथ द साइड, अगर आप सेलिंग साइड पे बैठे हैं या फिर बाइंग साइड पे बैठे हैं। बाकी करेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि हरा निशान तो कहीं नहीं है, सिर्फ ग्रीन आपको लाल निशान दिख रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसडी INR हमारा इस वक्त चल रहा है 72.92, काफ़ी टाइम से ये नीचे हो गया, नीचे आ गया था बीच में, एक बार 72.45 के आसपास भी आ चुका था, उसके बाद इसमें जंप आया था, तब जाकर ये 73 अगेन इसको रिक्लेम किया, लेकिन आप देखिए वो वहीं से एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ऑल द रुपया स्ट्रांग हो रहा है, बट अगेन मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, जिन कंपनियों का, IT कंपनीज का, फिर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू डॉलर्स में आता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इसका इफेक्ट आता हुआ दिखेगा Q4 के रिजल्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। और बात करें कल के दिन FIIs और DIIs की होल्डिंग का, आप देखोगे काफ़ी टाइम के बाद DIIs ने जो परचेस की है वो काफ़ी, DIIs और FIIs ने एक साथ मिलके बाइंग की है और एक हैवी क्वांटिटी में की है, तो उसका आपको असर आज के दिन मार्केट में होता हुआ दिखेगा और हो भी रहा है। दैट्स मीन आज बहुत दिनों का इन दोनों ने एक जैसा काम एक ही तरफ किया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूज़ है आज के दिन, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रहे पावर ग्रिड, जी हाँ पावर ग्रिड का नाम आपने सुना है, इसकी खबर निकल के आ रही है पावर ग्रिड एक्वायर ये रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन, तो इन्होंने एक नया ट्रांसमिशन को एक्वायर किया है जिसको कहते हैं शॉर्ट में RNTL, तो इस पे नज़र रहेगी आज के दिन हमारी। वहीं नेक्स्ट बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, द कंपनी क्लोज इट्स QIP इशू, आज के दिन उसका QIP जो था वो खत्म हो चुका है, एंड फाइनलाइज इशू प्राइस द 195 पर शेयर, तो इस पर भी आज हमारा इस शेयर पर भी नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU का आप देखोगे तो लॉन्च इस कंपनी ने QIP लॉन्च किया हुआ है इशू ऑन March 9 को, और उसका फ्लोर प्राइस क्या रखा है 1181.0 से, तो इसलिए आज इस शेयर पर नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये खबरों में है। वहीं बात करें भारत फोर्ज के ऊपर भी ये खबर निकल के आ रही है, द कंपनी हैज़ मेड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 करोड़, आप देख रहे हो 4 करोड़ का उन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया इन इट्स एसोसिएट कंपनी, एक और अपनी जो उनकी जो कंपनी है उसके ऊपर, और उसका नाम क्या है एरॉन सिस्टम, ठीक है, बाय द वे ऑफ परचेजिंग 39,000 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू, ये है। तो इन्होंने क्या क्या 39,000 जो इक्विटी शेयर को खरीदे हैं 4 करोड़ रुपये में, तो इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर। और
और प्राइस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे जो उन्होंने 39,000 शेयर खरीदे हुए हैं 4 करोड़ रुपये में, उसकी जो प्राइस है वो है 1015.64 यानी 1015 रुपये ठीक के आसपास। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नज़र रहेगी इस शेयर पर भी। वहीं बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी, जो उन्होंने भी अपना लॉन्च किया है QIP, आप वहाँ देख सकते हो यहाँ पे 9th को, और उसका फ्लोर प्राइस रखा है 1513.39। अगेन इम्पॉर्टेंट हम सभी के लिए। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है IPO, अनुपम रसायन का IPO आने वाला है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है एंड तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उसके जो उसका फ्राइडे को यानी कि कल परसों से लॉन्च हो जाएगा, उसकी जो प्राइस बैंड रखी है 553 से लेकर 555 तक। सो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप कट ऑफ प्राइस पर कीजिए एंड अगर आपको अप्लाई कीजिए, बिड कीजिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। एंड इसमें अच्छी लिस्टिंग की इनके पूरी मुझको लगता है एक्सपेक्टेशन है, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस IPO ऑल्सो। सो अगर आपको लगता है आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।